हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 5 का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज वर्ल्ड बैंक। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और 8 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो में जो हम लोग 8 मार्क्स डिस्कस करने वाले हैं वो है आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक, फिर मीनिंग ऑफ वर्ल्ड बैंक भी लिख सकते हैं, इसके साथ साथ मेंबर्स एंड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बैंक, ये आपका पूरा वर्ल्ड बैंक के आंसर में कंस्टिट्यूट करके यहाँ एग्जाम लिख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का पहला जो नाम था वो था इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि IBRD इसका एब्रिविएशन था। ठीक है, अब ये बनी कब, एग्जिस्टेंस में कब आई, तो 27 दिसंबर 1945 में ये आई, एस्टैब्लिश हुई और इसकी ऑपरेशन यानी कि वर्किंग स्टार्ट होती है हमारी 25 जून 1946, यानी कि 1945 में ये एस्टैब्लिश हुई और 1946 25 जून से इसकी वर्किंग ऑपरेशन स्टार्ट हो जाती है। अब इसका काम क्या क्या है, तो उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ था उस टाइम पे, तो उसमें बहुत सारी इकोनॉमीज है, बहुत सारी कंट्रीज डिस्टर्ब हो गई थी, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, कुछ चारा नहीं था पैसा कमाने का या पैसा जनरेट करने का, तो उनको हेल्प करने के लिए यानी कि ऐसी कंट्रीज की इकोनॉमी को हेल्प करने के लिए वर्ल्ड बैंक आई, प्लस अलग अलग कंट्रीज को लोन पहुंचाने के लिए और फाइनेंशियल रेगुलेट करने के लिए भी ये काम करना उस टाइम पे स्टार्ट करी। तो पहला इसका फंक्शन बन जाता है टू रेगुलेट शटर्ड इकोनॉमीज और सेकेंड, यानी कि जो ऐसी इकोनॉमीज जो बंद हो चुकी थी उनको रेगुलेट करना, फिर टू प्रोवाइड लोन एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में लोन और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। उसके बाद दिया हुआ है लेटर, इसके बाद जब पहले तो यही फंक्शन थे, फिर आगे जाके धीरे ये सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी पार्ट लेने लगे, तो वही लिखा है लेटर ऑन स्टार्टेड प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में बहुत, क्योंकि देखो अगर पैसे के टर्म्स में ये हेल्प कर रही है, लोन प्रोवाइड कर रही है, लॉन्ग टर्म्स लोन प्रोवाइड करती है कंपनीज को, जितने भी इसकी मेंबर कंट्रीज थी उनको लॉन्ग टर्म लोन देती थी, लोन दे रही है यानी कि उस कंट्री की इकोनॉमी अच्छी होगी तो सोशल कंडीशन भी अच्छी हो जाएगी। तो ये था इसका फंक्शन का पार्ट। उसके बाद करते हैं मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन कौन से थे, तो ऐसी कंट्रीज जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF की पार्टिसिपेंट है यानी कि उसकी मेंबर है, वो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड बैंक की मेंबर बन जाती है। करेंटली अगर हम बात करें अभी के टर्म्स में, तो टोटल 182 कंट्रीज है जो की वर्ल्ड बैंक की अभी मेंबर है। तो दिया हुआ है एवरी कंट्री हु इज मेंबर ऑफ IMF ऑटोमेटिकली बिकम्स किसका मेंबर, वर्ल्ड बैंक। और अगर करेंटली कितनी है, 182 कंट्रीज मेंबर है वर्ल्ड बैंक की। फिर बात करते हैं कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का कैपिटल यानी कि इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो इनिशियली जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे उनका इन्वेस्टमेंट था $10,000 की, जो स्टार्ट किया था तो ऑथराइज्ड उनका कैपिटल था $10,000। और कैपिटल चेंज होते रहता है इन्वेस्टमेंट का डिपेंडिंग अपॉन की क्या हालत है उस फाइनेंशियल ईयर की, क्या रिक्वायरमेंट आ रही है, तो कैपिटल चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, इसको बढ़ाते भी हैं, बढ़ा भी देते हैं, कम भी कर देते हैं, डिपेंड्स करता है कि चेंज होना टाइम टू टाइम। तो ये था हमारा पार्ट अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक। अब नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं और देखते हैं इसके कुछ और टॉपिक्स। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।